सफ़र, वापसी के सफ़र पे काम सन दोबारा से मोटरवे पे आ गए हैं आप लोग, और वही गंदम और वही ग्रीनरी। जहाँ पे गंदम कट चुकी है वहाँ पे लोगों ने मवेशी छोड़ दिए ताकि वो जो सिट्टे वगैरह गिरे हैं वो सारे मवेशी खा लें। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो असल में इतने खूबसूरत है वो वीडियो में नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी वीडियो तो बनाऊंगी ना, आप लोग से शेयर तो करेंगे। ये सब मेरे रब की शान है, कितने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए मेरे रब ने, कितनी प्यारी सीनरियां हैं। हल्की हल्की भूख लगी तो हमने बिस्किट खोल लिए हैं। ये हमारी चूड़ियां और मेहंदी जो कि ईद पे मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने शादी के लिए लगाई थी, और मेरी बेटी ने ईद पे मेहंदी लगाई थी, और शादी वाले दिन ये वाली मैंने इसको लगाई थी। अब तो उतरती जा रही है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा था। यहाँ भी कहीं कहीं मड हाउस हैं, मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बना लूँ, लेकिन थोड़े से होते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। जी हम घर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन घर जाने से पहले हम एक सेवर फूड ले लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई और थके हुए हैं, घर जाके हमसे कुछ पकेगा नहीं, तो यहाँ से जो भी लेंगे फिर आपसे शेयर भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, भूख बहुत सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत थके हुए हैं, सामान वगैरह निकालते हैं, अपने घर पहुँच गए, इसकी बहुत खुशी है, खैर खरीत से पहुँच गए। ये जी सेवर फूड हम लाए हैं, और क्या क्या है जी, मैंने उस टाइम तो देखा नहीं था। ये है पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं पीती तो नहीं हूँ, लेकिन आज ले आए हैं, चलो कोई बात नहीं, और मीठे में भी कुछ होगा, मीठे में शायद खीर है या जो भी है, फिर खोलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये जी गांव से हमें जो सौगातें मिली है, मैंने कहा आप अभी से दिखा दूँ, बाद में मुझे भूल जानी है वीडियो बनानी, तो ये मिले हैं जी अंडे, और क्या है इसमें है जी मक्खन, और ये है दूध, और एक और बोतल मैंने फ्रीज कर दी है। तो ये अम्मी की घर से हम लोग देसी खालिस घी लाए हैं 2 किलो, अब कुछ दिन जी हमारा चल जाएगा, यहाँ से मिलता तो है लेकिन खालिस नहीं मिलता। ये गाय का है खालिस, कितनी कलर कितना इसका प्यारा है। ये एक पहले से मैंने ये रख अभी रखी है, ये खालिस दूध मिला है हमें, अंडे मिले हैं, मक्खन मिला है, और अभी सीजन, और ये मेरे बच्चों को इनकी आंटी ने दिया सुपर बिस्किट का डिब्बा, और रास्ते से हमने लिए थे तरबूज, इनको करें, इनको धोएंगे धो के
तो फ्रिज में रखेंगे और फिर शाम को खाएंगे। जो पानी की कमी हुई हुई है वो पूरी हो जाएगी। गांव में मौसम काफ़ी ठंडा था, कुछ दिन ईद के बाद तो बहुत अच्छा था। कल और आज वाले दिन जब आए हैं तो थोड़ी गर्मी थी, वैसे बहुत अच्छा वक्त गुजरा, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था। जनाब हम अपना खाना खोलने लगे हैं। बोलो बेटा, इसको बहुत सख्त भूख लगी है और इन चावलों की खुशबू सुन के सेवर फूड की इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है ना कि बंदे की भूख और बढ़ जाती है। तो मैंने कहा बस फटाफट निकालो ताकि खाएं इससे पहले कि मेरी हालत ख़राब हो जाए भूख की वजह से। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसलिए कि मैं अपनी अम्मी से मिल आई हूँ, सब बहन भाइयों से मिल आई हूँ और अल्लाह ने मुझे खुशियाँ दिखाई हैं। मैंने शादी भी अटेंड की है, उधर घूमते फिरते रहे, बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाती रही, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई लेकिन बनाई है मैंने। चलें जी अब हम अपना खाना इंजॉय करते हैं। हाँ ये भी डालो, ये रायता है और साथ सलाद है। ये है जी सलाद। सलाद में इनका बहुत ज़बरदस्त और इस तरह के लच्छे वाले प्याज तो मुझे बहुत पसंद होते हैं। Thank you.